मेरी एक आवाज पर दौड़ा चलाने वाला आज दो बार बुलाने पर भी नहीं आ गया. आई गेस समथिंग रॉन्ग. मैं जाके चेक करता हूँ. आई जस्ट बी बैक. है क्या भाई अंदर? है? हाँ, है अंदर? हाँ, अच्छा, ओके. हाँ. ओ, दरवाजा खुला है. अरे आप यहाँ हो. हेलो भाई, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो. स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? करण जोहर जी, क्या क्या करोगे यार? करण जोहर आप डायरेक्टर, करण जोहर प्रोड्यूसर, करण जोहर एंकर, करण जोहर जज, करण जोहर फैशन डिजाइनर, करण जोहर एक्टर, करण जोहर मुस्कान नहीं कहते तो बेटर होता. जी आप हमारा स्वागत नहीं करोगे? जी ये आपका कमरा नहीं है ना? मेरा कमरा क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसके ऊपर एस आर के लिखा है. हाँ, कुछ ऐसा ही. तो क्या है ना कि हम दोनों को आजकल एक को कम दिखता है, एक को ज्यादा दिखता है. तो इधर आओ. हाँ, मुझे एस आर के का आर नहीं दिखा. ओ, उसको एस के में एक आर दिख गया. ओ. तो वो इसकी आर में, मेरी आर में, वो मेरे कमरे में. ओ. मेरा जो है ना कमरा. हाँ. मेरे दिल की तरह है, एक गुफा. ओ. पहले तो एंट्री मिलती नहीं है. हाँ. और जब एंट्री मिल जाती है तो एग्जिट ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है. ओ. एक बार जो मेरे कमरे में घुस जाए. हाँ. वो अपने आप को भी नहीं ढूंढ सकता. तो आप बताओ करण. हाँ. यहाँ पर आने का आपका कारण क्या है? इतने सारे बातें सुन के मुझे कुछ कुछ हो रहा है. लेकिन ये सब सुन के मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आपका कमरा नहीं है ना, ये गलत कमरा है. जी हाँ जी. लेकिन आप तो सही कमरे में आए हो जी. किस लिए आए हो भाई? जी क्या है कि शाहरुख खान का मैंने दो बार नाम अनाउंस किया है. वो नहीं आए. वो शो को ओपन कर रहे हैं. ही इज ओपनिंग द शो, द स्टार स्क्रीन अवार्ड्स. ये क्या पार्शियलिटी है भाई? पिक्चर स्टार्ट करोगे, अपनी खुद की लॉन्च पिक्चर, उसमें शाहरुख खान को लोगे. कॉफी विद करण फर्स्ट एपिसोड में शाहरुख खान. और यहां पर भी फर्स्ट शाहरुख खान. ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है. समझे आप? एक तो आप जानते हो मैं कमिटमेंट करता नहीं. मैं कमिटमेंट फोबिक हूं, है ना. लेकिन एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो उसके बाद करण मैं अपने आप की भी क्या, आपकी भी नहीं सुनूंगा. तो ये शो मैं अब मैं शाहरुख के पहले जाऊंगा. ओके, आप होस्ट करेंगे मेरे साथ? आप यहाँ पर बैठिए. हाँ. इधर बैठिए. हाँ, मैं बैठ. और मैं जाऊंगा. ये आप मुझे पहना भी दीजिए. हाँ जी, ऑफ कोर्स. आपके लोग कपड़े उतारते हैं, मैं तो पहनाता हूँ. मैं अलग हूँ, एक मिनट. ठीक है, अब थोड़ा सा मेरा पसीना भी पहुंच गया. आंखों के पन्नों पे
Hello, namaste, assalamualaikum, sat sri akal, kaim chho. Film industry ke sabhi doston ko aur audience mein baithe ek ek member ko mera bahut sara pyar. You know, kaha jata hai ki is film industry mein na koi dost hota hai aur na hi koi dushman. लोग ये भी कहते हैं कि हर फ्राइडे को एक नई दोस्ती रिलीज होती है और एक नई दुश्मनी रिलीज होती है. This is wrong, man. एकदम गलत. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं और दुश्मनों के बारे में बात तो हम आज करेंगे नहीं. नो चांस एट ऑल. क्योंकि आज की रात वी ओनली गोना हैव दोस्ती की बात. हमसे ये सवाल पूछा जाता है, माइक हमारे फेसेस में घुसेड़ के पूछा जाता है कि क्या चल रहा है भाई, अफेयर चल रहा है? और हम कहते हैं नहीं, वी जस्ट फ्रेंड्स. हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, गुड फ्रेंड्स, व्हिच इज द बेस्ट थिंग. इस बात की तो मैंने गांठ बांध ली है. एक दोस्ती होती है जिम की दोस्ती. हमारा इंडस्ट्री जो है एक विजुअल इंडस्ट्री है, तो लुक्स बॉडी बहुत मायने रखती है. तो लोग जिम में बहुत वक्त गुजारते हैं, साथ साथ कसरत करते हैं और फिर हसरतें जाग उठती हैं. कुछ लोग तो शादी भी कर लेते हैं. मेरी एक दोस्त हैं, अभी हाल ही में मैंने उनकी शादी अटेंड की. कहाँ है, यहां पर हैं? बिपाशा. बिपाशा, हाय बिपाशा. तो इनकी शादी हुई, मैंने शादी अटेंड की, फिर काफी रात तक हमने पार्टी की. सुबह को जब मैं उठता हूं तो क्या देखता हूं कि कुछ जिम की सेल्फीज इन्होंने अपलोड कर दी. जिम की दोस्ती. अब मुझे पता नहीं चल रहा, मैं कंफ्यूज हूं कि ये दोनों इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिटनेस फ्रीक्स हैं, कि इन्होंने बेडरूम में जिम लगाया है या जिम को इन्होंने बेडरूम में बदला है. सोनम की दोस्ती है कपड़ों के साथ. ये नए नए कपड़े पहन के और खरीदने के लिए पेरिस ऐसा आती जाती रहती हैं जैसे कि हम परेल और मैं पनवेल आता जाता रहता हूं. कुछ लोगों की सबसे पक्की दोस्ती होती है अपने कैमरा फोन्स के साथ. ये सारा टाइम अपनी सेल्फीज अपलोड करते रहते हैं. आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं. चल बेटा सेल्फी ले ले रे. आपने इन्हें पहचाना? बहुत ही अलग लग रही हैं तस्वीर में, लेकिन मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूं. तो मैं एक फिल्म कर रहा था, युवराज. फिल्म सिटी में उसकी शूटिंग चल रही थी. मैं वहां से जिम करके बाहर निकला, बैठा थका हुआ, और एक लड़की वहां से गुजरी, स्नान सर करके निकली. तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड नैड्स कि कौन है. तो यार वो बहुत लंबा चौड़ा वो शूटिंग चल रहा है और हीरोइन के डेट नहीं है, तो एज अ फेवर इस मॉडल को बुलाया गया कि आके बॉडी डबल कर लो. तो बेचारी वहां पर शॉट देने जा रही थी, तो मैंने दोस्त को बोला कि इनको अभी के अभी यहां से निकालो, एक फोटो सेशन के लिए भेजो, और मुझे शाम तक के इसके पिक्चर चाहिए. पिक्चर्स हाथ में आ गए मेरे. मैं हमारे डायरेक्टर के पास उन तस्वीरों को लेकर चला गया. वो मुझसे कहते हैं कि क्या ये गोरी लड़की है? आई से नहीं, हिंदुस्तानी है. क्या मैं इसका ऑडिशन कर सकता हूँ? आई से जरूर कीजिए. उन्होंने रात को ऑडिशन की और उसी रात को जरीन ने एक फिल्म साइन कर ली.